हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली एक इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट करके आया, जिसकी बात मैं पिछले दो दिन से कह रहा था। डेफिनेटली जो है 28,929,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था, तो उस लेवल को हमने रीटेस्ट कर लिया है। बट यहां से क्या फर्दर हम डिप दिखाएंगे मोमेंटम या फिर रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस डेट की मैं बात कर रहा था 18 मई वो भी क्रॉस हो गया, 19 मई स्टार्ट हो गया है। तो यहां पे क्या मोमेंटम अब शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में ग्रेजुअली या नहीं, इन सबके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से आप ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ है, जो स्ट्रेटजी दिया हुआ है, उसको जाके फॉलो करो। उसमें जो इंडिकेटर्स मैंने फ्री में आपको दिए हैं उसको जाके अप्लाई करो, उसको समझो, उसको बैक टेस्ट करो, एंड उसके बाद आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे जरूर जो है आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो आपको हर वक्त हेल्प करेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है ये जानने में भी, और यही नहीं इन्वेस्टमेंट में तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी हेल्प करेगा कि अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप 4 आवर या फिर 12 आवर के चार्ट पे उसे अप्लाई करके जरूर अच्छा खासा मोमेंटम जो है मार्केट का फाइंड आउट कर सकते हो एडवांस में। तो जानने के लिए जो है लिंक बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके चेक कीजिएगा, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सीधा चलते हैं आज के चार्ट पे, यानी बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन ने कल के दिन डंप दिखा एज एक्सपेक्टेड। कल के दिन मैंने आपको वार्न किया था कि बिटकॉइन कुड टेस्ट 28,800 के आसपास का लेवल, और कल जो लोएस्ट हमने प्राइस देखा वो गया 28,600 डॉलर के अराउंड में प्राइस, वहीं हाईएस्ट 30,670 डॉलर से हमने देखा था रिट्रेसमेंट। एंड ओवरऑल अभी इस वक्त जो है मार्केट वापस से रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। कल हमने देखा ओवरऑल 5.5% का ड्रॉप, और अभी इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर हम मूव दिखा चुके हैं। तो क्या हो सकता है, देखो ओवरऑल वन डे के चार्ट पे सब पुष्टि कार्य तो पॉजिटिव है, एंड इट सीम्स कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था वो मिला है कल के प्राइस मूव पे। आपने देखा कि प्राइस रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन इट सीम्स कि ये यहां से कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। ऑल्दो अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं, डू रिमेंबर हमारा सिर्फ यही इंडिकेटर है जो पॉजिटिव है, बाकी सारे इंडिकेटर अभी भी नेगेटिव जोन में बने हुए हैं। एंड अभी इसकी बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर, तो अभी भी -32 के अराउंड में चल रहा है। डेफिनेटली यहां पे साइडवेज एक्शन चल रहा है, एंड जब भी मार्केट रिकवर करता है उससे पहले साइडवेज एक्शन जरूर चलता है। तो क्या यहां से रिकवर कर जाएगा या फिर अभी फर्दर हमें रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ दिखेगा, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा, लेकिन अभी इमीडिएटली आवर्स में क्या हो सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। एंड यहां पे व्हाइट लाइन कंटिन्यूसली सर्ज कर रहा है अभी भी, एंड रेड लाइन जो है थोड़ा बहुत हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला। तो अभी इंटरेस्टिंग है, वॉलिटिलिटी है मार्केट में, इसलिए आपको परसेंटेज में काफी अच्छा खासा मूव बिटकॉइन के ऊपर दिख रहा है चार्ट के ऊपर, बट अभी हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं बने हुए। स्पेशली आरएसआई पे अगर आप नोटिस करोगे, आरएसआई अभी भी जो एवरेज लाइन है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है हमें। 31 का लेवल हम ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं आज के दिन, एंड लास्ट टाइम इस लेवल को हमने रीटेस्ट किया था अप्रॉक्सिमेटली उस लेवल के भी नीचे चले गए 30 जनवरी 2022 को, एंड डेफिनेटली उससे पहले हमने ऐसा कुछ देखा था 30 मई के आसपास। तो उस लेवल के आसपास से भी हम थोड़ा फर्दर डिप दिखा चुके हैं, एंड आरएसआई काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली तो वैसे भी एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली आप अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो वो आपको दिख रहा है। डेफिनेटली जो अभी प्राइस एक्शन जो हुआ था उसके बाद फर्दर हमने मूव देखा, बट ये रिट्रेसमेंट अब वापस से अपसाइड की तरफ आता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे पहले क्या ये 30 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा? अगर प्राइस एक्शन इसी जगह के आसपास मेंटेन रहा अगले 3-4 दिन भी, तो डेफिनेटली ये इस जगह पे भी आ जाएगा एवरेज लाइन। बट यहां पे क्या दिख रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है यहां से, एंड हम ऑलरेडी अभी काफी बॉटम जोन टेस्ट करके ऊपर स्पाइक दिखा है। तो यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 40 के टुवर्ड हम बढ़ते हुए देख सकते हैं अगले 48 आवर्स में, एंड इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी भी हम बाउंड्री लेवल पे हैं, वो भी नेगेटिव साइड में। तो ये लेवल अगर जो मैंने आपको कही है बात, अगर वैसा कुछ होता है तो जरूर ये भी हमें पॉजिटिव होता हुआ दिख सकता है, एटलीस्ट क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव होने में तो अभी बहुत टाइम है। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 0 के अबव जब मोमेंटम जाता है मैकडी के ऊपर तभी रियल मूव आता है मार्केट में, बट अभी फर्दर प्राइस जरूर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। आज पूरे दिन क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले बात करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे 21 ईएमए हम अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। अभी फिर से हमने फॉल बैक दिखाया, जब 200 ईएमए लाइन हम टेस्ट करने जा रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि यार वापस से हम रिट्रेस होंगे
क्योंकि हमारे सारे लाइन एक जगह पे हैं, और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता तो हम आराम से 28,800-29,000 के आसपास का फिगर टेस्ट कर सकते हैं, वो हो चुका है। अब यहाँ पे वापस से फिर से वही जर्नी स्टार्ट हुई, 21 EMA में रीटेस्ट करेंगे आज के दिन, क्या हम इसे पास करेंगे? इट सीम्स यस, ऑल दो हम यहाँ पे पॉजिटिव जरूर बने हुए हैं। RSI वाइज भी अगर देखोगे तो RSI भी हमारा 50 के टूवर्ड्स बढ़ रहा है, लेकिन 50 क्रॉस नहीं किया है, 50 के आसपास हम जरूर जाता हुआ देखेंगे, यानी कि आने वाले कपल ऑफ आवर्स हम यहाँ पे जरूर वापस से रीटेस्ट करेंगे 29,300 के आसपास। डू रिमेंबर 29,300 के लेवल के ऊपर अगर हमें बैक टू बैक क्लोजर मिलने लगता है 1 आवर के चार्ट पे, तो इट सीम्स पॉजिटिव साइन फॉर बिटकॉइन एटलीस्ट फॉर टूडे। एंड इसका मतलब यह है कि वापस से बिटकॉइन $30,000 के लेवल को रीगेन कर सकता है आने वाले आवर्स में, एंड इसके चांसेस ब्राइट बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, क्रॉस ओवर यहाँ पे दिख रहा है, एंड ये क्रॉस ओवर कंटिन्यू होता तो जरूर अप टू जीरो तक तो जरूर जाएगा। ऑल दो हमें चाहिए होगा हायर लो एंड हायर हाई टू क्रिएट न्यू हाई आफ्टर 200 EMA लाइन, जो कि 30,500 के आसपास अब बना हुआ है। तो ये सारे लेवल रेजिस्टेंस जोन है, कभी भी प्राइस इन जगहों पे जाता है, डू रिमेंबर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, अनलेस अनटिल हम हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे अचानक से, जब मार्केट में ऐसा कुछ होता है। पिछले 2 दिनों में कोई खास वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला कंपैरेटिवली जो हमें पिछले वीक देखने को मिला था, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे वॉल्यूम अगर आता हुआ मार्केट में दिखता है जब हम मार्केट में ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन होगा, एंड डेफिनेटली उस सिनेरियो में दिस टाइम वी कुड ब्रेक दिस 200 EMA लाइन। जैसे ही ऐसा कुछ होगा हम 4 आवर के चार्ट पे भी बुलिश होते हुए दिखेंगे आने वाले डेज में। एंड डेफिनेटली जो है 4 आवर के चार्ट पे अगर अभी बात करूँ, कल के दिन मैंने आपको कहा था इस जगह पे जब बार बार प्राइस एक्शन चल रहा था कि गाइज दिस इज द सपोर्ट लेवल जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ब्रेक होता है तो हम जरूर इस लेवल को रीच कर सकते हो, वो हो गया। अब यहाँ पे वापस से हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं 29,600 का लेवल एज पर 4 आवर चार्ट। सकुष्टिकार से जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, एंड बाकी के इंडिकेटर्स जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं बने हुए, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे। RSI की भी बात करूँ तो एवरेज लाइन के बिलो हम चल रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें अब रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो अभी जो मैंने 100 आवर्स में आपको बोला प्राइस एक्शन, उस वो लेवल होने के बाद ना सपोर्ट रीटेस्ट होने के लिए नीचे आएगा, एंड उस सिनेरियो में डू रिमेंबर कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेक श्योर करना कि स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन रखना, क्योंकि 4 आवर चार्ट इज नॉट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ऑल दो इट्स वेरी इनिशियल फेज, बट अगर ये डिक्लाइन होता है तो वापस से हम 27,900 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले 24-48 आवर्स में। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि हम 29,000 का लेवल हम ब्रेक ना करें 1 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक। एंड अगर मैं बात करूँ 15 मिनट्स के चार्ट की, तो 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, नहीं पता तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखो और जाके 4 आवर का क्रैश कोर्स करो। उसके हिसाब से अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे देखूँ तो हमने वापस से रीगेन दिखाया, बॉन्स दिखाया, बाई जोन हमारा जरूर बनता हुआ दिख रहा है, 0 के अबव हम चले गए हैं। एंड RSI की भी बात करूँ तो बाउंड्री लेवल से जस्ट ऊपर हम गए हैं, तो इट सीम्स पॉजिटिव, एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट विल बी एज पर दिस चार्ट 29,600। तो 29,500 से 600 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और जो सपोर्ट है वो यही लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 29,000 का लेवल ब्रेक होता है तो डू रिमेंबर हम वापस से 28,700 विजिट करने जाएंगे, एंड उस सिनेरियो में आपको पता है अगर वहां पे सपोर्ट दिस टाइम इट विल ब्रेक, इट विल लीड टू प्राइस एक्शन अप टू 27,800-900 का फिगर जो होगा वहां पे जाके सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए तभी रेडी रहना जब ये ब्रेक होगा। अगर चांसेस वाइज बात करूं तो मेरे हिसाब से ऊपर जाने के चांसेस आज के दिन ब्राइट हैं, ऑल दो गुरुवार है, बट डेफिनेटली जो है कल वेडनेसडे था, बट स्टिल प्राइस नीचे गया, एंड यहाँ पे आज के दिन हम सपोर्ट लेवल के आसपास बने हुए हैं। CPR चार्ट की बात करूंगा तो और थोड़ा सा आपको जो है दिखेगा कि यहाँ पे जब हमने बॉन्ड्स दिखाया भी रिसेंटली तो वो विद वॉल्यूम हमने दिखाया है डेफिनेटली, एंड उसके बाद हम इस CPR लाइन के सपोर्ट लाइन के आसपास आ गए जो कि 30,000 के आसपास का लेवल है, एंड सॉरी 29,000 का लेवल है। 29,000 के ऊपर जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं देर इज अ हाई चांस कि हम 29,500-600 का लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे। वंस वी ब्रेक दिस 29,600 लेवल देन यू कैन टारगेट 30,000 लेवल एज ए फर्स्ट टारगेट, इफ वी आर एबल टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम दैट लेवल, अगर वहां पे सपोर्ट मिलता है तभी हम फर्दर 31,000 ऑनवर्ड प्राइस एक्शन देख सकते हैं। वही अगर ये लेवल अगर 29,000 लेवल वापस से ब्रेक होता है तो हम $27,900 के आसपास प्राइस एक्शन देख सकते हैं एज पर CPR चार्ट भी। तो अलग अलग चार्ट पे सेम चीजें आ रही हैं, तो आपको कंडीशन इफ एल्स दोनों लेके चलना होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल मोमेंटम वाइज मार्केट में कुछ खास एक्शन नहीं देखने को मिला अभी हम सपोर्ट जोन पे एज पर फ्यूचर चार्ट भी, बट यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट की बात करूं बिल्कुल साइडवेज एक्शन में बना हुआ है, एंड लॉन्ग ने कुछ वैसा लेवल रीच कर लिया ऑल टाइम हिस्टोरिकली बिटफिनिक्स पे लॉन्ग्स इतने हाई कभी नहीं गए थे, तो उस लेवल पे हम हैं जहां पे डिक्लिनेशन शायद मिल सकता है, एटलीस्ट नहीं मिलेगा तो हम इसी जगह पे जो मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ इसी जगह पे सस्टेन करेंगे एटलीस्ट फॉर नियर बाय
10 or 20 days, एंड देन उसके बाद हम रियल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी इसके ऊपर चार्ट पे मैं डिस्कस करूंगा जब भी कोई प्रोग्रेस होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस डेट की, तो मैंने आपको ये डेट बोला था कि यार 18 मई तक जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, अगर हम 30,000 का लेवल ब्रेक कर रहे हैं, तो यार एक्सपेक्ट करना कि जो पेनफुल पीरियड है ना, वो यहाँ से शायद हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ इसलिए बोला जा रहा हूँ, बोलता हुआ आ रहा हूँ पिछले 5-10 दिनों से, इनफैक्ट 2-3 वीक से, क्योंकि ऐसा पास्ट में हो चुका है। चाहे वो पिछले साल का डंप हो, वहां पे भी हमने देखा था इस डेट के आसपास क्या हुआ था। एंड उसके बाद अक्टूबर के आसपास, 22 अक्टूबर के आसपास जो डेट था, उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला। ऑल्दो पीक रीच हुआ था नवंबर में, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, 1 महीने नहीं होगा, लगभग 15 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली डाउन साइड चला गया। तो कुछ ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले काफी दिनों से नवंबर ऑनवर्ड डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये काफी लंबा टाइम हो गया। एंड हम जिस लेवल पे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ जिस लेवल पे हैं, इस लेवल पे जब भी मार्केट स्लिप करता है, पहला जो 2 वीक होता है, पहला वीक निकल चुका है, दूसरा वीक होता तब तक बहुत ज्यादा पेन होता है मार्केट में, स्पेशली ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा नीचे है, 40,000 के बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो ऑल्ट कॉइन तो बिल्कुल ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार वो बिल्कुल ही फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जब बिटकॉइन 40,000 क्रॉस कर रहा था उस वक्त से बोल रहा हूँ, एंड डेफिनेटली उसके बाद प्राइस एक्शन काफी नीचे गिरे, बट स्टिल अभी भी ऑल्ट कॉइन और ज्यादा पेन दे सकते हैं। बिटकॉइन जब जब नीचे की तरफ मूव दिखाएगा 30,000 के बिलो, उतना ही ज्यादा पेन आपको फर्दर लोअर लो देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स में। तो वो पेन शायद इस वीक के बाद खत्म होता हुआ दिखे। ऑल्दो यहाँ पे एक 22 अक्टूबर का डेट था, बट यहाँ पे रियल जो डिक्लिनेशन शुरू हुआ था 10 नवंबर के बाद हुआ था। तो ये 15-20 दिन का गैप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि इट इज नॉट मीन्ड फॉर दैट, बट समहाउ इट इज समथिंग रिलेटेड। तो मैं आपको बस नोटिस में ला रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हमें आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है प्राइस रिवर्सल देखने को मिल जाए। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अलग अलग चार्ट की बात करूँ, तो डेफिनेटली हम बहुत ही बॉटम लेवल पे है। यह इस चार्ट पे देखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो बॉलिंजर बैंड है वो बहुत ज्यादा जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। मिडिल वे में 30,900 के आसपास अभी रेजिस्टेंस बना हुआ। अगर हम मार्केट में ऊपर जाते हैं आज के दिन प्राइस एक्शन, उस लेवल पे मैंने कहा ना 31,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल पे जा सकते हैं, इस पर डिफरेंट चार्ट भी, राइट? तो इसके ऊपर फोकस रखना है। एंड डेफिनेटली जब तक हम इस मीडियम लाइन के बिलो बने हुए हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा 38,000 के बिलो बने हुए हैं, तब तक वी आर शॉर्ट टर्म में हम उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बुल्स के फेवर में उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली जो पहला 2 वीक जो अभी इस वीक में ऑलमोस्ट हाफ निकल गया, हाफ वीक ऑलमोस्ट बाकी है, तो ये हाफ वीक कैसा मूव दिखाता है उसके हिसाब से चार्ट पे क्लोजर मिलेगा, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। बट S&P ने कल हाई ड्रॉप दिखाया लगभग 4% का, एंड इट सीम्स की 21 EMA में हमने रीटेस्ट तक नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि 4100 तक जा सकता है, 40 60 डॉलर के आसपास से, इनफैक्ट कहूंगा 40-90 डॉलर के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। एंड कल के दिन हैवी रिजेक्शन, एंड डेफिनेटली अभी भी अगर मैं बात करूँ मोमेंटम वाइज, तो जरूर पॉजिटिव साइड में अभी जो रियल अभी मूव आया था डाउन साइड का, उसके बाद जरूर दिख रहा है, लेकिन इट सीम्स कि आज इसे वापस से फर्दर अपसाइड मूव दिखाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 40-100 डॉलर के ऊपर हमें रिक्लेम करना चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो देन डेफिनेटली हम आने वाले डेज में हम वापस से फर्दर अपसाइड मूव दिखाएंगे, अदरवाइज S&P एटलीस्ट तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। गोल्ड की बात करूं, गोल्ड अपना साइडवेज एक्शन मेंटेन किया हुआ, कल के दिन ग्रीन कैंडल था उसी जगह पे काइंड ऑफ डोजी कैंडल, तो इट वाज द एक्सपेक्टेड मूव। बट सबसे इंपॉर्टेंट है DXY का मूव कल के दिन 21 EMA में रीटेस्ट कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि ये हमें सपोर्ट देगा, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसे ब्रेक करें, अगर ये ब्रेक करता है तो देन वी नीड टू सी कि 100 डॉलर के बिलो कब जाता है, क्योंकि अभी हम कन्फर्म में कह सकते हैं कि यस नाउ वी आर गोइंग मूविंग टूवर्ड्स डाउन साइड। बट एक चीज याद रखना कि वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट हो, या फिर अभी मैं बात करूँ इसी चार्ट पे अगर आप डिफरेंट इंडिकेटर देखोगे, बियरिश साइन मिल रहे हैं, लेकिन प्राइस में उतना खास नहीं, प्राइस वाइज हम उसी जगह पे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है तो अगला आने वाले डेज भी जो है वहां पे भी प्राइस एक्शन सर्च कर सकता है, 104 से लेके 106 से लेके 108 डॉलर विल बी द पीक एज पर द प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन वीकली चार्ट। बट धीरे धीरे करके हम मोमेंटम लूज कर रहे हैं DXY पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 21 EMA में क्या ब्रेक कर लेते हैं इसी वीक। अगर हम ब्रेक करते हैं, इट्स सीम्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ बिकॉज द वे इट इज मूव, बट यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम खिंच सकता है। बट वंस वी ब्रेक दिस लेवल, स्पेशली 100 डॉलर के बिलो जब हम जाएंगे, तब मार्केट में बहुत तेजी से सर्ज होता हुआ प्राइस एक्शन दिख सकता है। लेकिन इसकी उम्मीद मैं मार्केट जब कह रहा हूँ तो ओवरऑल सारे मार्केट की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी। बट यहाँ पे
ये वाला मूव आने में, अभी जब तक 21 EMA सपोर्ट दे रहा है तब तक तो हम इसे नहीं इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यस चार्ट बियरिश हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन का चार्ट फरवरी अप्रैल के मंथ में बहुत ही ज्यादा बियरिश था 2021 में, और तब मैं आपको बोल रहा था कि बिटकॉइन डिक्लाइन करेगा एंड 40,000 तक जा सकता है। उस टाइम जब मैंने बात कही थी तो बिटकॉइन 60,000 प्लस चल रहा था, लोग मजाक उड़ाते थे कि यार 75,000 जाना चाहिए, 80,000 जाना चाहिए, आप ही तो कहते हो। तो आई वॉज ऑलवेज सेड कि यार एक रिट्रेसमेंट चाहिए फिर उसके बाद फर्दर मूव, ऑल दो वो हुआ 69,000 हम फिर फर्दर गए, लेकिन वहां से अभी हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजन। आप कोई भी फंडामेंटल्स न्यूज की बात करो या फिर अभी जो वर्ल्ड इवेंट चल रहा है उसकी बात करो, सारे कुछ टाई अप कर लोगे, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड डेफिनेटली जो हम बिल्कुल बॉटम जोन में है और ये बिल्कुल हाईएस्ट जोन पे, तो इसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा एंड डेफिनेटली वी नीड टू सी कि कैसे यहाँ पे हमें डिक्लिनेशन देखने को मिलता है। बट दैट्स फॉर श्योर कि ये मैक्स पेन 106 से लेके $108 तक भी दिखा सकता है इन दैट केस, बट उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बिटकॉइन पे होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा बिटकॉइन का जो करंट मूव है, जो करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो उस पे। डोमिनेंस चार्ट इज अगेन मूव बैक, और अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल बुलिश हो गया है। वन डे के चार्ट पे देखोगे डेफिनेटली जो है 21 EMA, अभी वन डे के चार्ट पे 10 EMA से हमें बार बार बॉन्स में मिल रहा है अगर कहूँ तो, एंड 4 आवर के चार्ट पे जो थोड़ा बहुत बेयरिश होने की कोशिश कर रहा था वहां पे हमें फर्दर मूव देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 30,000 के बिलो हमने मूव दिखाया, या जैसे 40,000 के लेवल के बिलो जब हम जा रहे थे ऑल्टकॉइन डूब रहा था, वैसे 30,000 इज मोर क्रिटिकल इन दैट केस। 30,000 के बिलो जितने बार जाएंगे उतने ज्यादा लोअर लो बनाता चला जाएगा ऑल्टकॉइन, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार की स्ट्रैटेजी वीडियो आया तो अप्लाई करो, या फिर एटलीस्ट सेफ साइड सिर्फ बिटकॉइन को देखो अभी, क्योंकि अभी बाकी सारे ऑल्टकॉइन तभी परफॉर्म करेंगे जब बिटकॉइन एटलीस्ट 38,000 के ऊपर जाना शुरू कर देगा। यूएसडीटी की बात करूं, कल के दिन वापस स्पाइक दिखाया, बट इट सीम्स इट्स रियली सीम कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन है एंड डेफिनेटली जब तक हम एवरेज लाइन के बिलो RSI मूव कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम लोअर लो क्रिएट करने वाले आने वाले डेज में, बट ये आपको पेनफुल मूव देगा और इसका ठीक अपोजिट कैंडल आज देखने को मिल सकता है एंड लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज होगी। बट इथेरियम का BTC चार्ट इज अगेन मूव बैक टू दैट जोन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना अब इस लेवल से इसको निकलने के लिए काफी अच्छा खासा टाइम लग सकता है, वही कुछ होता हुआ दिख रहा है एंड इथेरियम इज ऑन द 0.065 के आसपास अराउंड में ओवर कर रहा है एंड इस लेवल से आज आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत बॉन्स, लेकिन अभी हम इमिडिएटली से अपसाइड मूव नहीं मानेंगे अगर कोई भी बॉन्स मिलता है तो भी, जब तक हम एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर ना जाए एंड इथेरियम विल ओनली डू दैट लेवल अगर बिटकॉइन टुवर्ड्स 38,000 बढ़ता है, डू रिमेंबर दैट। एंड इथेरियम USD चार्ट पे बिल्कुल कॉपी है बिटकॉइन का एंड वी आर डेफिनेटली सी मोर देन 8.5% का करेक्शन कल के दिन एंड डेफिनेटली जो है प्राइस एक्शन की बात करूँ तो लोएस्ट जो रीच किया 1900, मैंने आपको कल के दिन कहा था कि $1,800 तक जा सकता है, तो $1,900 का डॉलर जो लेवल था वो ऑलरेडी रीच कर गया, क्या $1,800 जाएगा? तो अभी टाइम है चार्ट पे, यस पॉसिबल है एंड आज हमें फिलहाल बाउंस बैक दिखाएगा अगर जो मैंने आपको कहा बिटकॉइन के कंडीशन में कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिक्लेम करता प्राइस एक्शन को, तो मेरी नजर रहेगी इसके ऊपर, कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो गाइज मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।